बिहार में मॉनसून ने तो दस्तक दे दी है, लेकिन दस्तक देने के साथ ही जिस तरीके की बारिश हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। आपको बता दें, आज का दिन पटना वासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्म होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि मौसम विभाग का अलर्ट सामने आ गया। आपको बता दें, मॉनसून ने तो दस्तक ज़रूर दी है और कुछ दिन बारिश भी हुई है, लेकिन अब 28 जुलाई से पहले कोई बारिश के आसार नहीं है। आपको बता दें, आज पटना वासियों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा और लगातार जो प्रचंड गर्मी है वो आज के दिन देखने को मिलेगी। आपको बता दें, बिहार में इस बार हर साल से कम बारिश हुई है और लोग कहीं ना कहीं से परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। बीते दिनों जिस तरीके से गर्मी प्रचंड थी, 45 डिग्री 46 डिग्री गर्मी का तापमान था, उसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। लेकिन अब जब मॉनसून ने दस्तक दे दी है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं यही हाल है। करीबन एक सप्ताह तक बारिश का सामना किया लोगों ने और कहीं ना कहीं गर्मी से राहत थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मॉनसून ने बिहार वासियों और पटना वासियों से मुँह मोड़ा है, उसके बाद लगातार ही बीते 3-4 दिनों से गर्मी का सामना करना पड़ा है। और आज मौसम विभाग के द्वारा सबसे ज़्यादा अलर्ट किया गया है कि आज का दिन काफ़ी गर्म रहेगा। आज दिन भर उमस भरी गर्मी रहेगी, तेज़ हवाएं चलेंगी जिसमें लू लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, और इसके साथ 28 जुलाई तक कोई भी बारिश के आसार नज़र नहीं आ रहे। बारिश नहीं होने की वजह से आम जनता तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है ही, लेकिन किसान सबसे ज़्यादा इस बार मॉनसून की मार झेल रहे हैं। आपको बता दें, लगातार जो किसान है वो हमेशा ही मॉनसून का वेट करते हैं कि मॉनसून आएगा तो उनके फसल काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन इस बार जब मॉनसून नहीं दस्तक दे रहा है तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। अब मॉनसून जब बिहार में आ गया तो लोगों को लगा कि अब उनको गर्मी से राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन फिर से देखने को मिला है कि बारिश नहीं हो रही है। बीते 3-4 दिनों की बात कर ले तो बीते 3-4 दिनों में महज 2-4 दिन ही बारिश हुई है, उसके बाद बारिश के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। आम जनता के साथ किसान भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, और आज मौसम विभाग के द्वारा हाई अलर्ट दिया गया है और कहा गया है कि लोग अपने घरों में ही रहें, घर से बाहर ना निकले क्योंकि लू लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। सूरज की तपिश कुछ ऐसी होगी कि आज जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से चिलचिलाती हुई धूप बाहर निकली हुई है, महज बता दें आपको, आज सुबह से तापमान काफ़ी ज़्यादा गर्म नज़र आ रहा है। बीते 3 दिनों से भी बारिश के कोई आसार नहीं थे। जिस तरीके से मॉनसून ने बिहार में दस्तक दी थी, उसके बाद कुछ ही दिनों में मॉनसून बिहार से रूठता हुआ नज़र आ रहा है। आज का दिन पटना वासियों के लिए हाई अलर्ट है, तो आप अगर आपको काम नहीं हो तो आप घर से बाहर ना निकले, जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले। बहरहाल, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आप IVTV देख रहे हैं। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।